हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 14+14 कॉल वाले सीलिंग पंखा का कंप्लीट डाटा बताने वाला हूं। तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये 14+14 कॉल वाला स्टेटर है। ये सीलिंग फैन का स्टेटर है दोस्तों। कॉपर का वाइंडिंग डाटा है ये। मैं आपको कॉपर तार का वाइंडिंग डाटा बता रहा हूँ। ये 14+14 कॉल है, मतलब कि अंदर में टोटल 14 कॉल हैं और बाहर में भी इसके 14 कॉल हैं, इसीलिए इसको 14+14 कॉल वाला स्टेटर बोलते हैं। मतलब कि अंदर में टोटल कॉल 14 है और बाहर में भी 14 है, और जो अंदर का कॉल है वो स्टार्टिंग कॉल कहलाता है दोस्तों, जो पंखा को स्टार्ट करने के काम आता है। अंदर का कॉल जो है वो स्टार्टिंग कॉल है। तो इस पंखे के अंदर में भी 14 कॉल है। ये देखिए, गिन लीजिए आप, इस पंखे के अंदर में टोटल 14 कॉल है। और रनिंग कॉल पंखे के बाहर के कॉल को कहते हैं दोस्तों। ये रनिंग कॉल हमेशा चलता रहता है और स्टार्टिंग कॉल सिर्फ पंखा को स्टार्ट करने का काम करता है। रनिंग कॉल भी 14 है इसमें और स्टार्टिंग कॉल भी 14 है। अब स्टार्टिंग कॉल कौन से नंबर के तार से बना है ये देखिए। ये 36 नंबर कॉपर के तार से बना है स्टार्टिंग कॉल। स्टार्टिंग कॉल को 36 नंबर तार से लपेटा गया है और रनिंग कॉल को 35 नंबर तार से लपेटा गया है। मतलब कि जो अंदर वाले 14 कॉल हैं उसको 36 नंबर तार से लपेटा गया है और बाहर वाले जो कॉल है उसको 35 नंबर तार से लपेटा गया है। अब स्टार्टिंग कॉल में कितना टर्न देना है, मतलब कि कितने बार लपेटा गया है एक एक कॉल में तार को, तो देखिए स्टार्टिंग कॉल में 330 बार लपेटा गया है प्रत्येक कॉल में, और रनिंग कॉल में 345 बार लपेटा गया है तार को प्रत्येक कॉल में। रनिंग कॉल के 345 बार लपेटा गया है। अब कैपेसिटर की बात करें तो इस पंखे में 2.50 mFd का कैपेसिटर लगेगा दोस्तों। आप चाहें तो 3.25 का भी लगा सकते हैं, लेकिन 2.5 का कैपेसिटर ज़्यादा बेहतर रहेगा।